नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपने नॉलेज के बल पे आपके बीच काफ़ी चर्चित हैं, हालांकि वो एक विवादित चेहरा भी हैं। एडवांस एलोपैथ फर्टिनिटी में उनका आए दिन विरोध होता रहता है। जी हाँ, वो हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। द हेल्थ केयर टुडे में स्वागत है। थैंक यू। आए दिन आप विवाद में रहते हैं, कभी आप पे आरोप लगता है कि आपकी डिग्री प्रॉपर नहीं है, आप किसी PhD डिग्री के बेस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कभी आरोप लगता है कि आप मरीज को मिसगाइड करते हैं। यह सही है कि आप मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे मरीज भी आपसे ठीक होते हैं। आपका जो ट्रीटमेंट बेस्ड है, कौन सी पद्धति से आप ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे आपने थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल में आने का, और आपने यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए और एक तीसरा सवाल पूछा, तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो आपने डिग्री पे सवाल पूछा, ये सवाल बहुत बार आया है, हज़ारों बार आया है, आप सही बोल रहे हैं। हमारे ऑफिस में हमने डिग्री वहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन आप सब लोग नहीं आ पाएंगे जो व्यूअर्स हैं, शायद जो लोग दूर रहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरे सारे क्रेडेंशियल्स हैं। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर उनमें से कोई भी क्रेडेंशियल अगर आपको आपने साबित किया ये ठीक नहीं है, तो उसके मैं 1,00,000 रुपये इनाम मैंने घोषणा ऑलरेडी की हुई है। ये तो हुई पहली बात। दूसरा है कि हम पेशेंट को गुमराह करते हैं। मेरे अलग अलग चैनल्स में, अब आपका चैनल भी जुड़ गया है, बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं और उसमें या बुक्स हैं, तो आप में से कोई भी मेरे किसी भी वीडियो से या किसी भी किताब से कोई भी एक स्टेटमेंट निकाल के देखिए जो आप गलत प्रूव कर पाएँ, तो भी मैं 1,00,000 रुपये दे दूँगा, तो 2,00,000 तो यहीं हो गए। तो ये तो जो एक मसला था, ये तो यहीं भी ख़त्म होता है कि बोलना बड़ा आसान है लोगों के लिए कि भाई ये तो गलत है, ये गलत है, लेकिन प्रूव तो करके दिखाओ, राइट। जबकि आपको इसका एक रकम मिल जाएगा, उसके अलावा इसकी जो सज़ा होती होगी वो अलग, राइट। तो अब तो आ गई बात की, अब तीसरी जो आपका पहला सवाल एक्चुअली कि जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, हमारे ट्रीटमेंट का मेथड है, वो क्या है, उसका क्या नाम दिया जाए, वो एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होमपैथ है, कोई ना कोई नाम होता है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा सवाल मैं ऑडियंस से ही पूछूंगा, आपसे ही पूछूंगा। मान लो आपका हाथ कट जाता है गलती से, राइट, आप कुछ नहीं करते उस पर, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा कुछ समय बाद, एक दिन बाद या एक मिनट बाद, डिपेंडिंग ऑन कितना घाव है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो सूख गया, फिर आप खरोंच देते हैं तो जो एक क्लॉट सा बना था वो निकल जाता है, और कुछ समय बाद पता भूल भी जाते हैं कि आपने कहाँ पे कटा था। अब मैं अगर पूछता हूँ कि बॉडी ने इसको किस पद्धति से ठीक किया है, क्या जवाब है आपके पास? बॉडी ने तो ठीक किया है। तो जब भी ठीक होते हैं आप, ये यकीन मानिए वो बॉडी ही ठीक करता है, कोई दवा ठीक करता ही नहीं है, कोई दवा ठीक करता ही नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि इस दवा ने आपको ठीक कर दिया, तो वो झूठ बोल रहा है, कोई ऐसा नहीं। वो बॉडी अपनी इम्यूनिटी से खुद को ठीक करती है, दैट्स ऑल। हम क्या कर सकते हैं, हम इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, किसी की हड्डी टूट गई, डॉक्टर ये कर सकता है कि डॉक्टर को हड्डी को लेकर राइट जगह पर पहुँचा सकता है और उसको एक सपोर्ट दे सकता है। वो सपोर्ट आप दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहा है, कोई भी दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ठीक होने वाली बात कि वो हड्डी जुड़ेगी, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही इंसान का है, वो है आपका खुद का, आपकी खुद की इम्यूनिटी का, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आप उसको सपोर्ट देते हैं। तो अब आते हैं हमारी पद्धति पे। हमारा पद्धति बस यही है कि हमारे इम्यूनिटी को, हमारे बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम देना, एंड आई कॉल इट फूड एज मेडिसिन, क्योंकि बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, दैट्स ऑल। बॉडी को नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट चाहिए, और बॉडी खुद ही अपना डॉक्टर, उसको पता है क्या करना है। अब न्यूट्रिएंट एंड नरिशमेंट कभी मेडिसिन से नहीं मिल सकती, वो फूड से मिल सकती है ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। तो हमारा जो काम है, व्हाट वी कॉल इज फूड एज मेडिसिन, या अगर इसका कोई नाम आपको रखना ही है तो वी कॉल इट मेडिकल न्यूट्रिशन। ये एक नया इवॉल्विंग साइंस है। लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से हम 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम ही ने लॉन्च किया है। अब तो 1 साल भी हो गए इसको लॉन्च हुए मलेशिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है, करीब 4 महीने हो गए, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी में। तो ये एक नया स्ट्रीम है, यूजिंग फूड एज मेडिसिन। सो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो एक इंसुलिन वाला पेशेंट हमारे पास आता है, वो लैंटस लेता है 10 यूनिट, नोवारेपेट लेता है, मान लीजिए वो भी 10 यूनिट लेता है, और अब हम ये देखते हैं कि उसका वेट कितना, उसका हाइट कितना, पूरे दिन भर का उसका फूड इनटेक कितना है, और जब वो 20 यूनिट लेता है तो कितना ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है, कितना डाउन जाता है। इसके बेसिस पे वी हैव आवर ओन कैलकुलेशन, और हम उसको एक ऐसा स्पेसिफिक डाइट चार्ट बना के देते हैं कि जब वो उस डाइट पे रहता है तो वही वाला असर होता है जो इंसुलिन वाला असर था, माइनस इंसुलिन, यानी कि बिना इंसुलिन लिए भी उसका ब्लड शुगर लगभग वहीं पे रहेगा जहाँ की इंसुलिन लेने के बाद था, यानी कि पहले तो उसका इंसुलिन से पीछा छूट गया, और ऊपर से कोई दवा नहीं ले रहा है, वो फूड ले रहा है। फूड तो आपको जब तक जिंदा रहना है खाना ही है, तो वो मेडिसिन फ्री करते हैं हम पहले, और उसके बाद हम करते हैं उसको डिजीज़ फ्री।
सो दैट इज़ द होल प्रोसेस व्हाट वी डू. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इंसुलिन के लिए, ये एग्जांपल यू कैन एक्सटेंड फॉर कैंसर, यू कैन एक्सटेंड फॉर हार्ट डिजीज़, यू कैन एक्सटेंड फॉर इवन इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे मान लो कोई ट्यूबरक्लोसिस बात कर लेते हैं, तो उसमें भी यही हम देखते हैं. हर बीमारी में एक बात याद रखिए, सिर्फ एक ही इंसान आपको ठीक करता है, वो है आप खुद. और आपको बस इतना करना है कि अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट देना है. जितना ज़्यादा सपोर्ट देंगे उतना काम अच्छा करेगा. बिल्कुल सही कहा आपने. किसी भी बीमारी को हमारी बॉडी ही हर संभव ठीक करती है. हालांकि सपोर्टिंग सिस्टम ज़रूर है, चाहे वो एडवांस एलोपैथ की बात हो, आयुर्वेद में हो, या मेडिकल न्यूट्रिशन है उसमें हो. एडवांस एलोपैथ में भी अगर हम बात करते हैं तो आप खुद देखो कि अब तक डेंगू तक के जो है, सो डेंगू कई सालों से चलते आ रहे हैं, डेंगू के भी कोई मेडिसिन नहीं है. आपको अगर डेंगू भी हो जाता है तो वो सपोर्ट सिस्टम पे रखा जाता है. जो जहाँ भी दिक्कत होती है उसका एक सपोर्ट दिया जाता है आपके बॉडी को, लेकिन ठीक आप अपनी बॉडी से ही करते हैं. जहाँ तक डिग्री की बात है, डिग्री हमने सवाल इसलिए सिर्फ कर लिया क्योंकि आए दिन इनकी डिग्री पे सवाल उठते हैं. लेकिन एक बात बता दूँ कि कई बार कई लोगों के लिए डिग्री उनके ज्ञान का पैमाना नहीं होता है. यदि आप बात करें आयुर्वेदा के जनक आचार्य चरक की बात करें, सुश्रुत की बात करें, उनकी डिग्री कभी किसी ने नहीं पूछा. इवन कि रामदेव की बात करें, उनकी डिग्री कभी किसी ने नहीं पूछा. आप डिग्री की अगर बात करते हो तो आप अंबानी की डिग्री देख लो, आज वो MBA नहीं है, उसके बावजूद कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी MBA से कम समझ रखते हों. डॉक्टर साहब, आप अभी इंसुलिन की भी, डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, इंसुलिन की भी बात कर रहे थे. आप डायबिटीज़ से PhD भी हैं. डायबिटीज़ को लेकर जो हमें जानकारी है, जो मेरे समझ में है, हर इंसान के बॉडी में स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो सेल होते हैं, दो कोशिका होती है, अल्फा और बीटा. हमारे जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है और वह ही हमें, हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है. यदि वो बीटा सेल खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, इंसुलिन सिक्रेट ना करे, या जो इंसुलिन वो निकाल रहा है वह इंसुलिन काम ना करे, ऐसे स्थिति में इंसान डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है. अब सवाल उठता है कि क्या आपके मेडिकल न्यूट्रिशन में कौन से ऐसे फूड न्यूट्रिशन हैं जो उस बीटा सेल को रीजनरेट कर दे. यदि यह सेल रीजनरेट हो गया, चाहे किसी भी कंटेंट से होता है, किसी भी फूड सप्लीमेंट से हो, किसी भी मेडिसिन से हो, तो नो डाउट इंसान डायबिटीज़ से क्योर हो जाएगा. अब आते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा फूड है जो आप उसे रीजनरेट कर रहे हैं. देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो दो तरह के डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 को बात करते हैं, मान लो छोटे बच्चों का, तो डॉक्टर सबसे पहले ये बोलते हैं उनके पेरेंट्स को कि ये बच्चे का तो बीटा सेल डेड हो गया, अब दोबारा नहीं बनेगा. ये एक सफ़ेद झूठ है. जिस तरह से आपके बॉडी के बाकी सेल्स हैं, जो मरते भी हैं नए सेल बनते हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स हों, चाहे आपके बाल हों, चाहे नाखून हों, बीटा सेल इससे कुछ भी अलग नहीं है. वो भी मरते हैं तो नए भी बनते हैं. लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा होगा छोटे बच्चों के केस में या इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स के केस में कि वो एक बार इंसुलिन पे आ गए तो जीवन भर लेना पड़ता है. इससे ये लोगों के दिमाग में एक भ्रम बोलें इसको कि आ जाता है कि भाई एक बार इंसुलिन पे आ गया इसका मतलब बीटा सेल मर गया, वो जिंदा नहीं हो रहे होंगे, तभी तो ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना ही नहीं पड़ता, बल्कि उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है. यहाँ पे एक सिंपल बात मैं आपको बता दूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी बात कि क्या करना है. उसके लिए आपको मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. मान लीजिए आप चल रहे हैं यहाँ से और आपने गलती से पैर रखा कील के ऊपर और आपको चोट लग गई. आप मेरे पास आए, किसी डॉक्टर के पास गए, तो हमने क्या किया, कील को हटाया, पट्टी लगा दी और वो बॉडी ने अंदर से उसको ठीक कर दिया, एक माहौल दे दिया आपने ताकि वो थोड़ा ठीक होने के लिए आराम भी मिल गया उसको, पैर के उस पार्ट को. लेकिन अब दोबारा इसी रास्ते चलेंगे और दोबारा पैर वहीं रखेंगे तो क्या होगा, जितनी बार चलेंगे उतनी बार वो चोट लगेगी लगेगी. तो जिस कारण से चोट लगी है वो कारण जब तक हटाएंगे नहीं, या तो अपना रास्ता बदलिए या उस कारण को हटाइए, तब तक वो चोट खाते रहेगी खाते रहेगी खाते रहेगी. तो जो चीज़ आपको बीमार करती है वो चीज़ आपको ठीक नहीं रख सकती. तो मतलब ये एक बहुत सिंपल बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, टाइप 1 वाले बच्चे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, उनके बॉडी में कई बार ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट से, जो बहुत छोटे से ही गाय का दूध लेने लगते हैं या फॉर्मूला मिल्क लेने लगते हैं, तो वो जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो उसके इम्यूनिटी को मारने लगता है. जितनी बार दूध पिएंगे उतनी बार वो बीटा सेल मरेगी, फिर बॉडी दोबारा से बनाएगी, अगले दिन दोबारा दूध पी लिया.
कि रात भर में मैंने आपकी पट्टी ठीक कर दी, अगले दिन दोबारा वहीं पे चल दिए और वही वाला कील लग गया, राइट। डॉक्टर कभी भी ये नहीं बताएगा कि भाई ये डेयरी प्रोडक्ट है, ये बॉडी में ऑटोइम्यून कर रहा है, ये कील है भाई इसको डालो। डॉक्टर बोलेगा आइए मैं पट्टी लगा दूंगा, आप तो फिर भी उसी रास्ते से चलिए। बल्कि डॉक्टर क्या करेगा, अनफॉर्चुनेटली वहाँ 4-5 कील और भी लगा देगा। कैसे? डॉक्टर बोलता है कि आप 1 गिलास दूध दे रहे थे, बच्चे को 2 गिलास दूध दे दो, राइट। ये रिलेट कर रहे होंगे वो पेरेंट्स जिनके बच्चे टाइप 1 है। तो आप सिर्फ मेरी एक बात मानिए छोटे बच्चे के केस में, कि आप सिर्फ एनिमल प्रोटीन इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, बच्चे का हटा दीजिए, आप देखेंगे इंसुलिन डिपेंडेंसी 50% और 40% कम तो पहले दिन ही हो जाएगी। इसी बात से ये साबित हो रहा है कि भाई कि कल्प्रिट क्या है, जिस कि कौन सी चीज़ है जो कॉज कर रही है, द थिंग विच इज़ कॉजिंग द डिजीज़, उसको हटा दो, बॉडी अपने आप ही रिकवर करेगी। अब आते हैं आपके जो स्पेसिफिक सवाल के जवाब में, कि ऐसा कौन सा फूड है जो बीटा सेल को जनरेट कर दे, राइट। अभी मैंने ये बताया कि कौन सा फूड है जो बीटा सेल को मार दे पहले, तो हाँ उसको तो हटा ही दो, हटाना ज़रूरी है। बॉडी जितनी बार क्योर करेगा उतनी बार आप अपने आप को इंजर कर रहे हैं। अब कौन से फूड है, देखिए दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड अगर आप बोलते हैं, सबसे पावरफुल फूड अगर बोलते हैं, वो है ग्रीन लीव्स, पत्ते, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब, राइट। भगवान ने शायद इसीलिए पत्तों को, पूरे दुनिया को पत्तों से ढक दिया, पत्ते एक्चुअली ये मेडिसिन है, राइट। एक शेर भी जब इंजर्ड होता है ना, तो वो खाना पीना बंद कर देता है, वो पत्ते खाता है, राइट। पत्तों के अंदर एक्चुअली दवा है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, जितनी है उसकी बॉडी वेट है, मान लो बॉडी वेट उसका 40 kg, तो 40 ग्राम 3 से 4 तरह के पत्ते ले लो, मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, पालक के पत्ते, और उसको चबा चबा के खाओ लंच से पहले और डिनर से पहले। ये जो पत्ते खाएंगे तो आप आश्चर्य रह जाएंगे, तो वो कॉज तो हटाई दिया आपने एनिमल प्रोटीन, प्लस ये शुरू कर दिया कि अचानक ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगेगा, अचानक एकदम से। कितनी जल्दी? करीब कुछ घंटे, मैं एक दिन भी नहीं बोल रहा, कुछ घंटे में आना शुरू हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए, कुछ घंटे में इफेक्ट आ रहा है, और अगर यही चीज़ परमानेंटली लेने लगे तो क्या होगा? अगर 1 हफ्ता लिया तो क्या होगा? 1 महीना लिया तो क्या होगा? 3 महीने लिया तो क्या होगा? सो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो ठीक करेगा, वो है पत्ते। उसको पत्तों को पार्ट बनाओ, जो पत्ते खा नहीं सकते उसको कूट के चटनी बनाओ, जो चटनी भी नहीं ले सकते उसका स्मूदी बनाओ, जो स्मूदी भी नहीं ले सकते उसका जूस बनाओ। पत्ते हमारे लाइफ का पार्ट बना लो, एक। दूसरा, रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स। हर दिन आप कुछ ना कुछ सलाद खाओ और कुछ ना कुछ फल खाओ, इतना सा कर लेंगे टू स्टार्ट विद, एंड यू विल सी द रिजल्ट ऑन द फर्स्ट डे। कहीं ना कहीं फूड आपके जीवन पे असर तो डालता ही है। याद कीजिए वो 3 से 4 दशक पहले का समय, हम लोग नंगे पांव मिट्टी में खेलते थे, हैंडपम्प की पानी पीते थे, उसके बावजूद स्वस्थ होते थे। आज हर इंसान डरा हुआ है कि कब कौन सी बीमारी उन्हें पकड़ न ले। जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, तो अब तक हमारे कई बेस्ट आयुर्वेदाचार्य से भी बात हुई, एडवांस एलोपैथ से भी बात हुई, किसी ने ये दावा नहीं किया कि डायबिटीज़ ठीक किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के अपने रिसर्च हैं, डॉक्टर साहब अपने रिसर्च के बेस पे बता रहे हैं कि ठीक हो सकते हैं। डायबिटीज़ पे एक स्पेशल प्रोग्राम लाएंगे, जिनमें डॉक्टर साहब से काफ़ी बारीकी से पूछेंगे कि आखिर वह ट्रीटमेंट क्या देते हैं और किस तरह से करते हैं। अगर कोई पेशेंट का फीडबैक होगा तो वह भी आपके लिए लाएंगे। डॉक्टर साहब, एक जो बहुत बड़ी समस्या में देखने को मिलती है, जिस फील्ड में जाए, एलोपैथ में जाते हैं, एलोपैथ के डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे पास सारे इलाज हैं। आयुर्वेद में जाते हैं तो बाबा रामदेव को देखिए, वो बोलते हैं कि नहीं जी, मेरे पास सारे इलाज हैं, मैं सारा इलाज कर देता हूँ। आपके पास आते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरे पास सारे इलाज हैं, बाकी के पास नहीं है। तो ये अलग अलग चलने की जो प्रैक्टिस शुरू हो गई है, कंबाइंड होकर क्यों नहीं चल पा रहे हैं? सारे डॉक्टर एलोपैथ वाले बोले कि हाँ जी, ये हमारे पास नहीं है, ये आपके पास है, आप चला लो। आपने फूड न्यूट्रिशन पे आए, आप मेडिकल न्यूट्रिशन पे आए, आप ये कहे कि हाँ जी आप रोग है, आप ये मेडिकल न्यूट्रिशन आप चला लो, बाकी चीज़ वो चला लो। जिस फैकल्टी के पास जाते हैं, जिस फैकल्टी के पास जाएँ, उसमें बातें होती है कि नहीं, आयुर्वेद आपका नुकसान कर देगा, आप यहीं रहो। आयुर्वेद में जाते हैं, बोलते हैं कि वहाँ नुकसान हो जाएगा, आप यहाँ रहो। आप बोलते हैं कि वहाँ गड़बड़ है, आपको मेडिकल न्यूट्रिशन, काम तीनों कर रहा है, हर कोई अपना असर छोड़ रहा है, कोई ज़्यादा कोई कम। ये अलग अलग चलने की जो एक प्रैक्टिस डेवलप हो गई है, और ये सारे जो टॉप मोस्ट सीनियर हैं वह ये कर रहे हैं। आपकी बात, आपने मेडिकल न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप कभी ये स्टेटमेंट नहीं देते कि आयुर्वेदा भी ठीक है, आप आयुर्वेदा को भी अडॉप्ट कर सकते हो। आप एलोपैथ में टॉप लेवल पर जाके देख लो, वो बोलेंगे नहीं,
यही ठीक है, क्यों? देखिए, पहले तो मैं ये मानता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये होना चाहिए कि पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए, फिर वो पैथी कुछ भी हो, पेशेंट सेंट्रिक इलाज। तो आप मानेंगे कि हमारे जो टीम है, हमारी टीम में एलोपैथ के डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेद भी हैं, होम्योपैथ भी है, नेचुरोपैथ भी हैं, इवन एक्यूप्रेशर भी है। तो जितने सारे नेचुरोपैथ भी हैं, सारे पद्धति की हमारी टीम है। तो जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं कि सारे वो मेरी नॉलेज है, उनसे के नॉलेज लेके तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो हम तो यही मानते हैं और हम ये करते भी हैं कि कई बार पेशेंट का पेन कम ही नहीं हो रहा तो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं या होम्योपैथ का सहारा लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी पैथी है जिसमें साइड इफेक्ट बहुत मिनिमाइज्ड हो या ना हो और थोड़ा सा पेशेंट को आराम मिल जाए, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और अब ये दौर इसका आ रहा है। आप देखेंगे मेरा सेंटर मलेशिया में है, वियतनाम में है, सिंगापुर में है, स्विट्ज़रलैंड में है, दुनिया भर में देखेंगे तो वो इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वहाँ पर काम करना शुरू हो गया है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि ये सिस्टम की तरफ रुख है, बड़ी जल्दी दिखेगा, जहाँ पे सारे पैथी मिलके पेशेंट सेंट्रिक इलाज, पेशेंट को क्या चाहिए ना कि डॉक्टर को क्या चाहिए। ये तो हुई एक बात। अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं कि अपने पैथी पे ही स्टिक रहते हैं? उसको तो मैं ये बोलता हूँ कि हम एक घोड़े की तरह होता है कि भाई डॉक्टर कि सिर्फ उसको आगे ही दिखाई दे रहा, अपने ही उतना ही लिमिटेड उसके दायरा है, उस दायरे में ही वो रहना चाहता है, उसमें ही वो कम्फर्टेबल है। लेकिन पेशेंट को क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि इस सब के जद्दोजहद में कि आयुर्वेद बोल रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आ जाओ, तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट का क्या मकसद है, पहले तो पेशेंट को डिसाइड करना है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ जो सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन को दूर करेगा फ्रॉम द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट तो पेशेंट है, राइट? तो पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको क्या चाहते हैं। तो आप सिर्फ जब भी किसी पैथी में जाएं, इंक्लूडिंग मेरे पास भी अगर कोई आता है या मेरी कोई बात मानता है, तो एक सवाल पूछिए कि डॉक्टर साहब मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो ट्रीटमेंट दे रहे मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताइए क्या ऐसा कोई सबूत है कि इसको अगर मैं लूँ तो मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, इन कंपैरिजन टू, वेरी इंपॉर्टेंट, इन कंपैरिजन टू अगर मैं कुछ ना करूँ तो, कुछ भी ना करूँ तो जो भी एविडेंस दिखा दे, राइट? आप मेरे पास भी आएंगे तो मान लो आप कैंसर के लिए आते हैं, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने जो डाइट बताया मैं ले लूँगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है आपके पास कि अगर ये डाइट लूँगा तो मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, इन कंपैरिजन टू मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो, राइट? एक तरफ कुछ ना करना, चलने दो जैसे बीमारी है, देखते हैं क्या होता है, दूसरी तरफ कि आपकी बात मानना। तो अगर कोई एविडेंस है तो बताओ, तो जो एविडेंस दिखा दे आप उसकी बात मानो। कोई बोल सकता है कि मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, देखो मेरे कितने स्टाफ है, कोई बोल सकता है देखो मैं कितना ज़्यादा फीस लेता हूँ, कोई बोल सकता है मेरी इतनी सारी डिग्री है, लेकिन आपकी बॉडी डिग्री नहीं पहचानती, आपकी बॉडी हॉस्पिटल के बिल्डिंग को नहीं पहचानती या उस पेशेंट उस डॉक्टर की शक्ल नहीं पहचानती, आपकी बॉडी जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो एविडेंस दिखा दे, सामने सबूत दिखा दे, उसकी बात आप मान लो, राइट? और तो अब सबूत की बात करते हैं, तो मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, 12 साल हो गए मुझे, तो एलोपैथ में अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट काम का पूछते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की बात कर रहे थे तो मैं एक एग्जांपल देकर इसको ख़त्म करता हूँ। डायबिटीज़ में एविडेंस ढूंढने के लिए जो एविडेंस की ये दिखाने की दवाई लेने से आपकी लाइफ स्पैन थोड़ी बढ़ जाएगी या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी या दोनों बढ़ जाएगी, ऐसा साबित करने के लिए ट्रायल किया गया, ऐसे कहते हैं एकॉर्ड ट्रायल, 10,000 पार्टिसिपेंट्स, 5,000 लोग, 10,000 के 10,000 डायबिटिक पेशेंट, 5,000 लोगों को दवाई दी गई तो ब्लड शुगर नीचे आ गया, 5,000 लोगों को दवाई नहीं दिया, कुछ नहीं किया तो ब्लड शुगर जाहिर सी बात ऊपर रहा, और ऐसे लोगों को कि भाई 6 साल तक ये ट्रायल चलेगा, देखते हैं 6 साल के अंत में कितने लोग जिंदा रहते हैं बोथ द ग्रुप्स में, राइट? तो 6 साल छोड़िए, 3.5 साल के अंदर अंदर जिन ग्रुप ने दवाई लेनी शुरू की उनमें 22% मोर मॉर्टलिटी इन कंपेरिजन टू जिन्होंने दवाई ली नहीं, और वो ट्रायल को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि मौतें बढ़ रही थी किस ग्रुप में, जहां दवाई ले रहे थे। तो ये एकॉर्ड ट्रायल आया, ऐसे VADT ट्रायल आया, ऐसे UKPDS ट्रायल आया, ऐसे एडवांस ट्रायल आया, ट्रायल पे ट्रायल आते गए और उनका नतीजा सेम ही रहा कि दवाई लेने से, डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ की दवाई लेने से आपकी ब्लड शुगर तो घटेगी, ये तो श्योर है, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर इल, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक, राइट? आपके ब्लड शुगर के साथ साथ जीवन भी घट जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घट जाएगी, ये भी प्रूव हो गया। इसलिए फिर डायबिटीज़ के जो गाइडलाइन है वो बदल गई, 2018 6 मार्च को नया गाइडलाइन आया, इट इज़ कॉल्ड ACP गाइडलाइन, राइट? उस गाइडलाइन का पहला स्टेटमेंट ये था कि दवाई जो है टेम्प्रेरी दो, महीने दो महीने के लिए, ना कि हमेशा के लिए जैसा कि होता है, राइट? क्योंकि इस दवाई के लेने से पेशेंट मर रहा है, हमारा बेसिक मकसद पेशेंट के ब्लड शुगर को कम करना है, बढ़ाना नहीं है,
बेसिक मकसद कुछ ऐसा करना है कि पेशेंट लंबा जिए या क्वालिटी लाइफ अच्छी हो, जबकि ये जो दवाई है ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो भारत में जब ये लॉन्च हुआ, ये न्यू गाइडलाइन भारत के 6 मार्च 2018 मार्च महीने में ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मिलके ये अपना एक रणनीति बनाई कि हम इस गाइडलाइन को मानेंगे नहीं, ना पेशेंट तक पहुंचाएंगे इस गाइडलाइन को, क्योंकि इस गाइडलाइन को पेशेंट तक पहुंचाने का मतलब पेशेंट को ये बोलना कि जो दवाइयां मैं आपको दे रहा था उस दवाई को बंद करो, राइट। तो एविडेंस तो यही कहते हैं कि दवाई लेने से आपकी लाइफ स्पैन घटती है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल एक दिया, लेकिन यही एग्जाम्पल वी कैन एक्सटेंड टू अदर डिजीज एज वेल, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द पेशेंट हु हैव टू बी इंटेलिजेंट, पेशेंट को ही समझना होगा, आपको ही पेशेंट्स के साथ काम करना होगा, शायद इसीलिए उनका नाम है पेशेंट। सही बताया आपने, पेशेंट अब बहुत समझदार हो गए हैं। पेशेंट कहीं भी कभी भी कहीं भी जाते हैं, किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं तो उस डॉक्टर के रिगार्डिंग वो पूरी रिसर्च करके पहुंचते हैं। और जहां तक डायबिटीज़ की बात है, मैंने एक बार फिर से बताता हूं कि डायबिटीज़ पे एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे। डायबिटीज़ सही मायने में एक इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके रिजल्ट आपको इमीडिएट नहीं देखते, लेकिन यदि आपने अगर डायबिटीज़ पे कंट्रोल नहीं रखा तो आने वाले समय में आपकी किडनी भी फेल होंगे, कार्डियक भी प्रॉब्लम आएगी, कई सारी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। इसलिए जैसे भी हो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। हर पद्धति की अपने अपने दावे हैं, एलोपैथ्स अपने दावे करते हैं, आयुर्वेद अपने दावे करते हैं, डॉक्टर साहब के अपने दावे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको जाना कहाँ है। देखिए, हम सारे लोगों के पास भगवान ने आँख, कान, नाक, गला, दिमाग इसलिए दिया है कि हम हर लोगों की बात को सुने, समझें और फिर डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। आपके पास कई सारी पद्धति है, एडवांस एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, डॉक्टर साहब की मेडिकल न्यूट्रिशन पद्धति है जो काफ़ी कारगर भी साबित हो रही है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने इलाज के लिए जाना किधर है। हम रखें आपका ख्याल।